यहाँ पे बीजेपी के कई नेता बैठे हैं, कई लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आपके बगल में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं। और कॉन्क्लेव के इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कई लोगों को लगता है कि जो करंट महाराष्ट्र में सरकार का अरेंजमेंट है वो बड़ा अनफेयर है, चीफ मिनिस्टर होने चाहिए फडणवीस जी, अगर डेप्यूटी हो तो होने चाहिए एकनाथ शिंदे जी। मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये भी चर्चा खूब गर्म है मुंबई में कि फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे या तो सीएम बने नहीं तो वरना बाहर बैठेंगे, डेप्यूटी सीएम नहीं बनना। और उस वक्त पे आप लोगों की क्या बातचीत चल रही थी फडणवीस जी को कन्विंस करने के लिए कि आप बन जाइए डेप्यूटी सीएम? और ये जो बात है कि लोगों को लगता है कि एक अनफेयर अरेंजमेंट है, एज द बिगर पार्टी बीजेपी शुड हैव द चीफ मिनिस्टर एंड शिंदे जी शुड बी डेप्यूटी सीएम, इसको आप कैसे देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। हमने नीतीश कुमार भी जूनियर पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में बड़े दिल से काम करती है, जो देश और प्रदेश के हित में उस हिसाब से निर्णय लेती है। और हमने निर्णय लिया था कि वास्तव में शिवसेना की जो हालत थी उसमें उत्तरदायित्व शिवसेना का बाला साहेब के बाद जो पूरी कार्यकर्ता हैं, जो उनके MLAs हैं, पूरे MPs हैं, आखिर वही जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं, सभी की इच्छा थी कि जो गलत अनैतिक कोएलिशन चल रहा था वो गलत था, असली शिवसेना बाहर निकली, उसमें से सरकार बनाना चाहती थी, हमने उसको समर्थन दिया। जहां तक बात है देवेंद्र जी की, देवेंद्र जी और मेरा लगभग हर 10 मिनट में उस समय बात हो रही थी, एवरी 10 मिनट। आपके चुनाव की वजह से शुरुआत हुआ था, बड़प्पन है, आपके चुनाव के बड़प्पन शुरुआत हुई थी कि इन्होंने पद बड़ा और छोटा नहीं देखा, पार्टी का निर्णय था कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक मिनट हिचकिचाया नहीं, नॉट अ सेकेंड। निर्णय इनको कम्युनिकेट हुआ, जैसे इन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे नेता जो तय करेंगे, यहां बैठा अगर कोई और बीजेपी का हो या कम से कम हम दोनों, आंख बंद करके बिना सोचे एक मिनट में वील फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आर लीडर। दैट डिसिप्लिन इज वॉट हेल्प्स अस डू आवर जॉब बेटर ऑल्सो, और इन्होंने उस डिसिप्लिन का पालन किया।